वो झुका हुआ जो पेड़ है ना, हाँ, उसके होके आगे जाइए लाइट में, अच्छा वो खड़ा, हाँ 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 टाइगर खड़ा हो गया, दिख गया दिख गया, वो खड़ा हो गया, वो देखो, हाँ 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 वो खड़ा हो गया, टाइगर खड़ा हो गया, टाइगर टाइगर देख ले। नमस्कार फ्रेंड्स, इस समय मैं सवाई माधोपुर राजस्थान में हूँ। आप जानते हैं यहाँ की जंगल सफारी कितनी फेमस है, लोग दूर दूर से यहाँ पर टाइगर सफारी करने के लिए आते हैं। दोपहर के 1:45 का टाइम है। आज मॉर्निंग में मैं कोटा में था, वहाँ से मैंने 120 किलोमीटर का सफ़र किया और बस अभी पहुँचा ही हूँ यहाँ पर। आते सार मैंने RTDC विनायक में रूम लिया, बुकिंग मैंने कल ही करवा ली थी। 3200 प्लस टैक्स, डबल ऑक्यूपेंसी का रूम टैरिफ है। हमारे दिन की शुरुआत अभी हो रही है और सबसे पहले यहाँ पर लंच करेंगे। मैंने ऑलरेडी इनको बोल दिया लंच तैयार कर दो, हम 10 मिनट में आए, लगेज रूम में रखते हैं और इसके बाद हम घूमने चलेंगे। जंगल सफारी हमें कल सुबह करनी है, राइट। और ये टी शर्ट काफ़ी दिन के बाद मैंने ये अपनी वीज़ा टू एक्सप्लोर की मर्च पहनी है। कड़क मर्च की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर हमारी मर्चेंडाइज अवेलेबल है, तो जैसे मग्स हैं या टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, वो आप ऑनलाइन चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए लंच करते हैं और फिर घूमने चलेंगे। लंच में देखो, इन्होंने हमें ना एक थाली बना के दी है जिसमें पनीर भी है, भिंडी भी है, दाल भी है, दही भी है और सैलड भी है, साथ में चपाती। 350 रुपीज़ इस थाली की कॉस्ट है। अगर आप यहाँ नहीं रुके हुए, बाहर से यहाँ आना भी चाहते हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। लंच टाइम में आओगे तो लंच कर लो, डिनर टाइम में आओगे डिनर कर लो। बाकी दिस इज़ अ अनलिमिटेड थाली, मतलब आपको भिंडी और लेना है, दाल लेना है तो इसी प्राइस में देते हैं। अगर मेरे घर में भिंडी बनी होती, एग्जैक्टली ऐसी बनी होती, कहने का मतलब है घर जैसा स्वाद है। क्या पनीर की ग्रेवी है, शाही पनीर, बटर कम से कम और फ्लेवर फुल है। 15 से 20 मिनट में यहां से हम चलेंगे, पालीघाट जाने वाले हैं। 35 किलोमीटर का सफर रहेगा, वहां पहुंचकर हम चंबल नदी देखेंगे और घड़ियाल को देखेंगे। हम लोग चंबल पालीघाट पहुंच चुके हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर बुकिंग ऑफिस है सामने की तरफ। 700 रुपया पर पर्सन चार्ज लगता है यहाँ पर बोटिंग करने का, जिसमें 8 लोग जाते हैं, तो आधा पौना घंटा आपको वेट करना पड़ता है ग्रुप बनाने के लिए। अगर आप पूरी बोट हायर करना चाहते हो, समय बचाना चाहते हो या पर्सनल बोट लेना है, तो ऑब्वियसली यू पेड फॉर 8 सीट्स। तो अब हम चलते हैं बोटिंग करने के लिए, हमने पर्सनल बोट हायर करी है, थोड़ा ईजी रहेगा, समय भी बच जाएगा। यहाँ पर आप गाड़ी आराम से खड़ी कर दो और बोटिंग करते करते हम लोग घड़ियाल देखने वाले हैं। सामने जहाँ बोट्स खड़ी है ना, वहाँ पर चलकर हमको बोटिंग करनी है। इस समय मैं राजस्थान साइड पे खड़ा हूँ, चंबल नदी है ना सेंटर में, इसके उस पार मध्य प्रदेश है, तो रिवर इस जगह राजस्थान और MP को डिवाइड करती है। और वैसे चंबल राजस्थान की लाइफ लाइन है, ये चंबल का पानी पूरा साल चलता है, कभी ड्राई नहीं होता। गए साल यहाँ पर ना बरसात आई थी इतनी ज़्यादा, जिससे ये जो पिलर्स है ना ब्रिज के, यहाँ टॉप तक पानी आ गया था, मतलब ब्रिज के ऊपर तक तो नहीं गया लेकिन पिलर पूरा पानी में था। और इस साल बारिश बहुत कम हुई है। आइए जी नीचे चलते हैं। क्रोकोडाइल है सामने? जी सर। अच्छा जी, अभी तो मैंने बोट राइड स्टार्ट ही करी तो क्रोकोडाइल दिख गया। बिल्कुल, तैरता वो दिखाई दे रहा है ना? जी सर। वाओ, खाली हेड दिख रहा है। अच्छा, पानी के कितने नीचे तक चले जाते हैं क्रोकोडाइल? ये सर डीप तक चले जाते हैं। कितना? 15 से 20 फीट तक जा सकते हैं नीचे। 15 से 20 फीट नीचे जाता पानी के? हाँ जी। घड़ियाल और घड़ियाल के बेबी अपन को नेस्टिंग पे मिलेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, भैया सामने जैसे
क्रोकोडाइल है या घड़ियाल है, ये आप पानी के अंदर कैसे पहचानते हो? ये पानी सर जैसे इनके पहुंच रहे थे उससे तैरते रहते हैं, जब इनको नीचे जाना रहता है तो डायरेक्ट। मैं बोल रहा हूँ आप कैसे पहचानते हो कि मगर है या घड़ियाल है? तो सर जैसे मगर रहता है ना, मगर के भैंस रहते हैं, भैंस की तरह मुंह रहता है, और जो घड़ियाल जिसको एलिगेटर बोलते हैं अपन, उसका पतला चोंच वाला मुंह होता है। अच्छा, तो जिस एरिया में अभी हम बोटिंग कर रहे हैं, इस एरिया में घड़ियाल कितने और मगर कितने? 1200 से ऊपर है सर, दोनों की बराबर क्वालिटी है यहाँ पे, जैसे घड़ियाल और मगर में दोनों बराबर है। मतलब 500-500 दोनों? हाँ जी सर। ये दोनों सर यहाँ पे सामने क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं। हाँ भैया, इधर आपने सबसे लंबा क्रोकोडाइल कितने फीट लंबा देखा है? 13 से 14 फीट तक का देख लिया सर मैंने क्रोकोडाइल, और घड़ियाल 15 से 16 फीट तक का। अच्छा, कितना सही लग रहा है ना। बिल्कुल। तो अभी बैठा है तो क्रोकोडाइल कब तक बैठा रहेगा यहाँ पर? ये शाम, जब तक ये सूरज ढलेगा नहीं सर जब तक बैठा रहेगा। उसके बाद पानी में? फिर उसके बाद हम पानी में चला जाएगा। गदर, कितने क्लोज डिस्टेंस से हमने क्रोकोडाइल को देख लिया। भैया मगर पानी में ज्यादा से ज्यादा कितना देर तक रह लेता है? 15 से 20 मिनट तक रह सकता है सर, तो उसके बाद में बाहर मुंह निकाल के सांस ले लेता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसा रात के समय भी आता है? हाँ, रात के समय भी बाहर, जैसे अभी शिकार के लिए अंदर चला जाए उसके बाद रात के समय बाहर आके बैठते हैं। बड़ा गजब है, पोजीशन ही बड़ी मस्त है, मगर मुंह खोल के बैठा है। मुंह को इसलिए खोलते हैं सर क्योंकि जो बाहर वाली बर्ड्स आती हैं जो इनके दांत को साफ करती है। चल दिया। अरे वाह, व्हाट अ मूवमेंट। तो भैया हमें मगर तो कम से कम 8 से 10 दिख गए हैं, लेकिन घड़ियाल एक भी दिखाई नहीं। घड़ियाल मैंने जैसे बोला ना सर आपको, जैसे बोट से डरते हैं वो। अच्छा, जैसे बोट आती है तो बोट के ये आवाज है ना, इससे पहले पानी में चले जाते हैं। अच्छा, वैसे मगरमच्छ की लाइफ कितनी होती है? 100 साल से ऊपर होती है। 100 साल? जी सर। ये देखो जी, घड़ियाल का हमारे को क्लियर व्यू दिखाई दे गया, और घड़ियाल के पीछे ना 3 बच्चे भी हैं। घड़ियाल का जो मुंह है ना, ये मगर के मुकाबले में ज्यादा लंबा भी है और नोकीला भी है। लौटकर वापस हम जेट्टी पॉइंट तक आ गए हैं। कभी आपको यहाँ पर आना हो ना, तो सुबह 8 और 10 बजे के बीच में आइए, तो घड़ियाल को देखने का वो सबसे बढ़िया टाइम है। बारिशों के दौरान 3-3.5 महीने का जो टाइम होता है ना, ये सैंक्चुरी बंद रहती है, तो उस समय टूरिस्ट आकर यहाँ पर बोटिंग नहीं कर सकते। चलिए, जब हम यहाँ से चल रहे हैं, सवाई माधोपुर को पहुँच कर डिनर करेंगे और आज का दिन एंड कर देंगे। सवाई माधोपुर पहुँच कर ना हमने चुल्ला रेस्टोरेंट देखा और यहाँ पर अपने लिए टिकड़ मंगवा लिया। टिकड़ इस प्रकार की रोटी को बोलते हैं, साथ में दम आलू यहाँ का एक फेमस कॉम्बिनेशन है। टेस्ट तो सही है भाई साहब, सौंफ वगैरह डाल रखी है इसमें? यस यस। तो इसमें भैया ये केवल गेहूं का आटा तो नहीं है इसके अंदर? नहीं नहीं, आपने मक्का वगैरह भी डाला हुआ है? और क्या इसमें मक्के के अलावा? ज्वार है, मक्का है, ज्यादा इसमें गेहूं। इसको आपने पूरी तरह से तवे पे नहीं सेका, थोड़ा तवे में और तंदूर भी किया? तंदूर पे तैयार करके दिया ना आप, तभी तो हुआ। बाहर से देखिए ये क्रिस्प है और ऊपर इन्होंने घी लगा कर दिया, और हैवी है, मतलब आपने 2 टिकड़ खा लिया तो आपका हो गया, लंच भी हो गया, आपका डिनर भी हो गया। इन्होंने आलू को फ्राई करके दम आलू बनाया है, टेस्ट मज़ेदार है, ना ज़्यादा तीखा है ना कोई भारी मसाले हैं, बट टेस्ट सही है और उस टिकड़ के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है। सही है, आज हमने कुछ नया ट्राई किया। कल सुबह हमें रणथंभौर सफारी करने जाना है, अब आपको मैं कल सुबह ज्वाइन करता हूँ। फिलहाल अभी के लिए आपको बाय बाय, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग, इस समय हम रणथंभौर सफारी करने के लिए निकल चुके हैं, Zone No. 2 के बाहर वेट कर रहे हैं। 7 बजे गेट खुलेगा, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। अभी 10 मिनट का हमारे पास समय है। मैं आपको ना शर्मा जी के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, हमारे साथ ही खड़े हैं।
नमस्कार। नमस्कार जी, आपने अगर भरतपुर वाला हमारा एपिसोड देखा हो तो वहाँ पर हमने ना डीडी शर्मा जी के साथ टूर किया था बर्ड सेंचुरी का। तो आज हम कितने समय के बाद मिले, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। ऑलमोस्ट 2 साल बाद तो रणथंभौर में हमारी मुलाकात हुई है। तो आपके होने से क्या थोड़ा हमें बीच में बर्ड्स आएंगे उनकी नॉलेज भी, प्लस एनिमल्स के बारे में भी शर्मा जी अच्छी नॉलेज रखते हैं। अब थोड़ा सा मैं जो जानता हूँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल 5 कोर जोन्स हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, हमारे बैक साइड पे 1 नंबर जोन है, उसका एंट्री गेट है। 2 नंबर में तो हम कर रहे हैं, 3 नंबर इस रोड से सीधे चले जाएंगे तो जोन नंबर 3 आ जाएगा। सामने कुछ जिप्सीज जो खड़ी हुई दिख रही हैं वो 4 और 5 जोन में सफारी करने वाले हैं। तो जाएंगे तो सेम एक ही रास्ते से आगे चलकर ये लोग डिवाइड हो जाएंगे। जो बफर जोन है 6 से लेकर 10 तक, उनकी एंट्री कहाँ से है? बफर जोन की एंट्री पार्क के बाहर है, पार्क के बाहर से, और वो पार्क के बाहर है सारे 6 से 10 जोन। अच्छा जी जी, ओके। टोटल अभी मैं ना कुछ देर पहले जो जिप्सी ड्राइवर उनसे बात कर रहा था, और गाइड भी हमारे साथ है सत्यनारायण जी, जिप्सी चला रहे हैं। तो इन्होंने, नमस्कार सर, इन्होंने हमें बताया कि डेली बेसिस पे ना 5 जिप्सी चलती हैं हर इधर से, हर जोन से, प्लस 1-2 एक्स्ट्रा होती है जिसमें VIP और तत्काल का कोटा भी होता है। तो यानी मोटा मोटा समझ लो बफर मिला लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 70 जिप्सीज ऐसे रहेगा ना। एग्जैक्टली। कैंटर अलग है? कैंटर अलग है। देखे सर सामने स्लोप भी रहे, वैसे इतनी नजदीक से देखना भी मैटर ऑफ लक है। एग्जैक्टली। ये नॉर्मली शहद खाते हैं और पत्तियां खाते हैं और छाल खाते हैं उनकी, पेड़ों की छाल, और ये दीमक खाते हैं। अब ये दीमक ढूंढ रहा है, देखें, अब देखें गौर से इसको। ये जो सामने पेड़ पे देख रहे हैं ये ट्रैप कैमरा है, और डे नाइट पूरी भी जो भी एनिमल जाते हैं यहाँ से उसको ट्रैप करके उनको रिकॉर्ड करता है। ये देख रहे हैं अभी अपने सामने चैन लगी हुई है, और वो चैन के पल्ली पार वो जगह है जहाँ अपन नॉन टूरिस्ट जॉम है। इस पूरे पार्क में 334 स्क्वायर किलोमीटर में से केवल 20% एरिया है वो टूरिस्ट जोन है, बाकी 80% है वो नॉन टूरिस्ट जोन है जहाँ पे सारी जो वाइल्ड लाइफ है वो सेफ रह सकती है। अच्छा, इसलिए रास्ता बंद किया हुआ चैन लगाकर? इसलिए रास्ता बंद कर रखा है, चैन लगा रखी है वहाँ से। ये आप सामने देख रहे हैं, ये अपनी तरफ देख रहा है, सांबर डियर है मेल, बड़े साइज का ना काफी। फुल साइज। ये टाइगर का मेन फूड है ना, टाइगर पसंद करता है? टाइगर पसंद करता है। सत्यनारायण जी एक चीज बताओ, टाइगर तो यहाँ पर रणथंभौर में बहुत लोगों ने देखा, वैसे लेपर्ड के दिखने के भी होते हैं चांस यहाँ पे? हाँ होते हैं ना, लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाईली नॉक्टर्नल होता है, तो ये फ्लैट में टाइगर घूमता है तो डरता है उससे। तो आपको कितने साल हो गए आप जिप्सी चलाते हैं? मेरे को 30-32 साल हो गए। 30 साल से आप यहाँ जिप्सी चला रहे हैं? जी हाँ। बड़ा अरसा हो गया। हाँ। 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक लिया। तो ये सारी एनिमल स्पीशीज़ है जो यहाँ पाई जाती हैं। तो कैरकल यहाँ पर पिछले ना 2 से 2.5 साल से देखा जा रहा है। तो ये कैरकल वैसे कॉमन नहीं था पहले? कॉमन नहीं था, और काफ़ी रेयर स्पीसी में आता है ये। अच्छा। और भारत में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है यहाँ पे, 2 साल से 2.5 साल से यहाँ रिपोर्ट हुआ है अभी। अच्छा, और कहाँ पर? रणथंभौर के अलावा एक साउथ में मिलता है। अच्छा, साउथ में मिलता है, इसके अलावा रणथंभौर में सिर्फ 2 या 2.5 साल से ही रिपोर्ट हुआ है अभी। तो ये देखने में कैसा, बिल्ली के जैसा? अपना बिल्ली होती है, बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी सींग, इसकी इसके जो जो कान है वो बड़े होते हैं, कानों पे बाल होते हैं। वो झुका हुआ जो पेड़ है ना, उसके ऊपर आगे जाइए लाइट में। अच्छा। वो खड़ा, ये लगभग 200 मीटर दूर है। हाँ, 200 मीटर दूर है। हाँ, वो खड़ा हो गया, वो देखो। हाँ, हाँ, हाँ।
आमतौर पे टाइगर या टाइग्रेस का लाइफ स्पैन क्या होता है? नॉर्मली टाइगर या टाइग्रेस है वो 15-16 साल तक जिंदे रहते हैं। इसके बाद उसके जो दांत और नाखून घिस जाते हैं तो 2 साल एक्स्ट्रा कैप्टिविटी में उसको ब्रीड कैप्टिविटी में उसको संभाल के रख सकते हैं। तो इस पार्क की मछली जो टाइग्रेस है वो सबसे ज़्यादा 19 साल जीने का रिकॉर्ड है उसका, जो 2 साल आर्टिफिशियली फीडिंग कराने के बाद जीती। ये आप सामने देख रहे हैं जंगली सुअर, जंगली सुअर है, मेल है, उसके दांत भी दिख रहे हैं आपको, टस्कर बोलते हैं इसको। और यदि ऐसे कहते हैं कि यदि जहां 2 टाइगर पानी पी रहे हैं तो ये जंगली सुअर पानी पी सकता है, लेकिन यदि 2 जंगली सुअर पानी पी रहे हैं तो टाइगर की हिम्मत नहीं होती पानी पीने की। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके दोनों आप सींग टस्कर देखे ना, सींग दोनों तरफ पीछे लेंगे। शर्मा जी, 2 सांबर डियर जो सामने हैं, दोनों फीमेल है क्या? जी दोनों फीमेल है, सींग नहीं, अलर्ट नहीं देखे, सींग नहीं है ना। इस वाइल्ड लाइफ के अंदर सर जो सांबर डियर फीमेल है उसकी जो अलार्म कॉल है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है। ऐसा क्यों? ऑथेंटिक मीन्स इसका मतलब कहीं आसपास लेपर्ड, पैंथर, टाइगर आसपास कहीं भी है जरूर। 3 ही कॉल ऐसी मशहूर है, एक तो सांबर डियर फीमेल की, दूसरी है लंगूर की और तीसरी है ट्री पाई की। और जो सबसे ज़्यादा इसमें ऑथेंटिकेट होती है इसकी होती है, कई बार मोर भी देते हैं अलार्म कॉल। तो इसलिए जो अपन जो बीच बीच में जो मूवमेंट देखते हैं ना जंगल का, तो सिर्फ यही कॉल देखने की कोशिश करते हैं कि किसकी कॉल है। यदि वो कॉल सांबर डियर फीमेल की है तो समझो आसपास कोई कॉर्निवोरो जानवर है। ये किले की जो 4 दीवारी है इसका मतलब रणथंभौर फोर्ट जंगल के अंदर ही है। ये रणथंभौर फोर्ट कब बना? ये 944 AD में रणथंभदेव ने बनवाया था। इतनी पुरानी बात? इतने पुराने 1100 साल पुराना है। और इसकी खास बात यह है कि अनविजिबल फोर्ट है, ये आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा, और फोर्टों की तरह राजस्थान में जो फोर्ट है पहाड़ों पर तो है पर दिख जाते हैं दूर से, लेकिन आपको ये कहीं भी नहीं दिखेगा, जंगल के बीच में है, जंगल के बीच में है और पहाड़ पे है, और इसके आसपास इतनी घाटियां हैं कि आपको कहीं से फोर्ट नहीं दिखेगा। इसकी नींव अलग से नहीं है, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है। ये थंब की पहाड़ी है और जो लेफ्ट साइड में रण की पहाड़ी है, इन दोनों पहाड़ियों को मिला के रणथंभौर इसका नाम दिया है। और बीच का जो एरिया है ये उजाला है, तो भोर का मतलब होता है उजाला, तो रणथंभौर नाम दिया है इसका। और यहाँ जो स्थापना की थी इनकी फोर्ट की, उनका नाम रणथंभदेव था, उसी के नाम पर रणथंभौर भी इसका नाम पड़ा है। 1301 में अलाउद्दीन रणथंभौर पे अटैक करने के लिए आया था, लेकिन वो इसको देख नहीं पाया 2 साल तक, और रणथंभौर में जंगलों में घूमता रहा, लेकिन 2 साल तक उसको इसका पता नहीं चला कि ये फोर्ट यहाँ है। 2 साल के बाद कुछ जो गद्दार वगैरह जो होते हैं ना, उन्होंने सूचना दे के इस रणथंभौर के जो बारे में रास्ता बताया उसके बारे में, और फिर 1303 में इस पर इसको जीत पाया इस पर अटैक करके, और उसके बाद वो चित्तौड़ चला गया 1303 में। एक जंगल का खतरा और ऊपर से दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, और पहाड़ी पे है, चढ़ना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए जगह नहीं है, तो रण की पहाड़ी से तोपों के द्वारा अटैक किया था इस पर। अभी हम मेन गेट तक वापस आ गए हैं, सुबह मैंने कैप इधर से ही खरीदी थी, 10:40 का टाइम है। यहाँ आने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे पूछूं, क्योंकि आप गाइड हैं और आप भी गाड़ी 30 साल से चला रहे हैं, कौन सा महीना ऐसा होता है जब टाइगर की विजिबिलिटी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं? मैं अप्रैल मई से लेकर 15 जून तक के चांस सबसे ज़्यादा है, बारिश आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है बिटवीन गेट नंबर 1 टू गेट नंबर 5, तो गेट नंबर 3 का जो टोपोग्राफी है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, वो काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी हम जो न्यूज़ प्रोग्राम में देखते हैं रणथंभौर, वो काफ़ी हद तक गेट नंबर 3 का होता है, डिस्कवरी वाले गेट नंबर 3 से दिखाते हैं, जोन नंबर 3। चलो सही, हमने जोन नंबर 2 पे सफारी करी, ओवरऑल भले हमें टाइगर नज़दीक से नहीं दिखा, दैट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ लक, बट फिर भी हमने 200 मीटर से देख ही लिया और बाकी वाइल्ड लाइफ जो देखी वो आपके साथ हमने शेयर करी, ओवरऑल अच्छा समय हमने यहाँ पे बिताया। तो आप हमें ड्रॉप कर दीजिएगा और थैंक्स आपको मैं अभी कर देता हूँ। शर्मा जी हमारे साथ ही रहेंगे और रात को हम अलवर में रुकने वाले हैं,
धन्यवाद। अभी चलते हैं आपके साथ होटल तक। अगले एपिसोड में आप देखोगे हम फोर्ट विजिट करने जाएंगे, जो अभी से 1.5 घंटे के बाद जाएंगे। उसके बाद हम लोग अलवर को निकल जाएंगे। फिलहाल बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।